सरकार को 17 दिसंबर को 4 साल पूरा हो गया। 4 साल पूरा होने के बाद भी सरकार ने लगातार जनता से 4 वर्षों तक लगातार झूठ बोला है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, जो आंकड़े हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं। कहीं पर भी शासन में अंकुश नहीं है, और जिस प्रकार से लोगों के घरों पर छापे पड़ रहे हैं और पैसे निकल के आ रहे हैं, ये सरकार का पुख्ता प्रमाण है। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि आज यहाँ पर जो नारी शक्ति थी, उसने अपने पल्लू में गठान बांधा है कि आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में वापस आए और कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश से बाहर जाए। आगामी आने वाले चुनाव में यदि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या शराबबंदी यहाँ होगा? हमने पहले भी नहीं कहा था, लेकिन जिस सरकार ने गंगा जल लेकर कसम खाई, उस सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने शराबबंदी की बात क्यों कही? उन्होंने जनता से ये विश्वासघात क्यों कहा? और अगर उन्होंने जनता से विश्वासघात किया है, हम शराबबंदी करेंगे, हमने इसके पूर्व भी कभी नहीं कहा और आने वाले समय में करेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम प्रश्न खड़ा करते हैं कि जिसने कहा वो क्यों नहीं किया? अगर आपने किसी बात को जनता से कहा है तो उसे पूरा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता की मांग है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से शराबबंदी होना चाहिए, इस पर क्या कुछ अमल करेंगे आपकी सरकार आती है? जनता की बात अलग है, जनता की जब बात होगी, हमने ये वादा किया नहीं है। इस पर निर्णय करते समय ये नीतिगत निर्णय है, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने किया, उसने क्यों नहीं किया, प्रश्न ये है ज्वलंत। जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार गांव में निरंतर करके आवाज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसे भ्रष्टाचार सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? हमने शुरुआत की है, अभी आने वाले समय तक चलेगा लगातार। मोहन तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं। सरोज पांडे कह रही है कि अगर हम सरकार बनेंगे तो शराब नहीं करेंगे, तो लगातार शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरती थी, उनका ऐसा बयान आया। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक राज किया, उनके पीरियड में शराबबंदी के बात आती थी, तब उन्होंने नहीं किया, तो उनके पास तो कहने का कुछ है ही नहीं, तो क्या बोले कि दोबारा हम लोग की सरकार आएगी तो हम शराबबंदी नहीं करेंगे, तो उनको मजबूरन बोलना पड़ता है जी। और कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी को लेके, उन्होंने शराबबंदी के लिए जो कमेटी बनाई, कमेटी में उनके जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक सहमति नहीं दिए कि उस कमेटी में उन लोग नहीं है, रहना चाहिए कमेटी में और सब बैठ के छत्तीसगढ़ राज्य और शराबबंदी के बारे में डिस्कर्स होना चाहिए, उसके बाद शराबबंदी हो, यही हम भी चाह रहे हैं, शराबबंदी हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही एक शराबबंदी करने से किसी प्रकार की दिक्कत ना है, ना आए करके कमेटी गठन किया है, और निश्चित तौर पर केवल राजनीति कर रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? केवल इसमें राजनीति कर रही है और दिखावा की राजनीति कर रही है। उनका ये भी कहना है कि हमने वादा नहीं किया था, जिन्होंने वादा किया था केवल वो ही इसे पूरा। हमने कहा कि 15 साल तक उनकी सरकार थी, तब वो शराबबंदी किया नहीं, तो अब उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या कहेंगे कि उनकी सरकार आएगी तो शराबबंदी।